Hey, what is up, homies? It's your boy Hardik, and you're watching Logical Bakwas. So, wait, another day. और आज हम कैमलूप्स में कैमलूप्स से निकल रहे हैं, हम खिलौना जा रहे हैं. कल थोड़ा बहुत हमने घूमा, साहब भी देख लिया था. तो ये वाले रूम से हम चेकआउट कर रहे हैं. एक अपडेट, जेफरी भाई भाग चुका है. जेफरी की हालत टाइट हो गई, तो जेफरी डायरेक्ट यहाँ से वैंकूवर चला गया अपने चाइनीज़ रिश्तेदारों के साथ. तो खिलौना नहीं रुकेगा वो, तो हम अभी चार ही हो गए. दीपक भैया भी कारलेस और वो होमलेस हो जाएंगे अभी जब वो जेफरी भाग जाएगा वैंकूवर. तो हमें इसलिए वो जल्दी बुला रहे हैं. तो इसलिए मैंने अभी कैमलूप्स में शूट नहीं किया. अभी मोहित भाई से मिलना था, यहाँ से निकल रहे हैं. लेट हो गए हैं, लेट उठे थे थोड़ा. सही है, कल रात को डोमिनोज खाया, मज़ा आ गया. तो अभी चल रहे हैं, यहाँ से चेकआउट करते हैं इस रूम को. 221 को बाय बाय बोल के चलो. आज का सीन क्या है, आज मैं हूँ पीछे मेरे, ये है थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी का पीछे का कैंपस. और आज हम कहाँ जाने वाले हैं, आज मैं आया हूँ मोहित भाई के पास. तो मोहित भाई, पहले आप इधर आ जाओ. तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हाय, माय नेम इज़ मोहित, आई लिव हियर इन कैमलूप्स बीसी. आई स्टडी इन थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी एंड माई कोर्स इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. कैमलूप्स इज़ अ नाइस प्लेस, नाइस क्वाइट प्लेस. या ओके, सो भाइयों, आज मोहित भाई हमें पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी टूर कराएंगे. और कुछ कुछ मेरे क्वेश्चन है, मैं रास्ते में भी पूछता रहूँगा, थोड़ा एक फन टाइप का ब्लॉग बना रहा हूँ. ठीक है. पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कब आए थे, लैंड कब हुए थे? आई लैंडेड ऑन 14th अप्रैल 2021 एंड माय क्वारंटाइन गॉट ओवर ऑन 28th अप्रैल. आई गॉट पॉजिटिव ऑन फर्स्ट डे व्हेन आई लैंडेड हियर. ओह शिट, उसके बाद? या एंड द गवर्नमेंट, like the Canadian government people came and they took me to a hotel for quarantine. And yeah, it was good. How is the job scene here? Like part-time jobs कैसी हैं बच्चों के लिए? Because अभी jobs काफी ज़्यादा हैं क्योंकि अभी summer है. अभी हाँ summer है और student flow नहीं है. Like flight ban है इसलिए. But जैसे-जैसे बच्चे आएंगे तो वैसे. And what is the minimum wage here? Minimum wage in BC got increased in June. It is now 15.20 per hour. और आपका accommodation का कितना है? Accommodation where right now I am living. भाई यहाँ पे रहते हैं? Is like $600. $600. And yeah, in fall it's gonna be $650 per month. $650 per month. मतलब ठीक ठीक है? ठीक है. छोटे से rooms हैं, jail type. और मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, जैसे सबसे सब कॉमन सवाल ही होता है लोगों का कि बस पास कितना है. जैसे टोरंटो में मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ बस पास कितना है, कि टोरंटो में $128 होता है स्टूडेंट पास का पर मंथ. आपका कितना है? ब्रो हमारा, हम लोग एज ए स्टूडेंट हैं तो हमको $56 फोर मंथ्स के मिलते हैं. और उसके अलावा अगर स्टूडेंट नहीं हो आप तो $100 है. ओके, फॉर फोर मंथ. तो भाई अभी हम कहाँ पे हैं, बताओ ये जगह के बारे में पहले थोड़ा. भाई अभी हम हैं मैकगिल रेसिडेंस. ये यूनिवर्सिटी रेसिडेंस है. यूनिवर्सिटी इसके पीछे से चालू होती है और ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है ऑलमोस्ट. तो भाई अभी हम जा रहे हैं, अच्छा रूम देखना तो मेरा दोस्त भाई के रेजिडेंस में. अरे बहुत बढ़िया रूम है भाई ये. एक सबसे बढ़िया चीज़ तो मेरे को ये लगी, झंडा अपना. कुछ नहीं है भाई, भाई बहुत बढ़िया है, पता है ये बहुत अच्छा कर रखा है लड़कों के रूम. इससे मेरे भाई, मेरा रूम देखना कभी, वो आया था जेफ, कह रहा था भाई ने क्या कर रखा है भाई. बहुत बढ़िया है, यहाँ पे फ्रिज भी दे रखा है तुम्हें. ये वॉशरूम है? नहीं, यहाँ से ही कॉमन एरिया. ओ ये कॉमन एरिया, यहाँ से वॉशरूम. अच्छा ये कॉमन एरिया है. ये वॉशरूम भी साफ रखा गया तो लड़कों के हिसाब से है ये. अच्छा है भाई, मैं भी तो ऐसे ही रहता था. अभी मैं तो अब तो वो होमलेस बट बहुत सही है भाई, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर पासिंग फ्रॉम टूर्नामेंट कैपिटल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एंड नाउ आवर यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स. ओके, ये है टूर्नामेंट कैपिटल. यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे अलग अलग सारे इवेंट्स होते हैं, सारे गेम्स होते हैं, सारे गेम्स के इवेंट्स होते हैं. बहुत सारे क्या बोलते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, एवरीथिंग. नाइस, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है. पर एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी ना, यहाँ पे ना अगर कोई बंदा किसी के पास साइकिल होगी उसको अच्छा खासा वर्कआउट हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अपन डाउन पहाड़ जैसा है ना. ये तो चल के भी हो जाता है, साइकिल से भी हो जाता है भाई ऑब्वियसली. और एक तो यहाँ पे मतलब कुछ टाइम के बाद तुम्हें कार चाहिए ही होगी, एक दो साल के बाद. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि भाई इधर आप हर जगह चल के नहीं जा सकते.
क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ पे 4-5 किलोमीटर लगेंगे तुम्हें। अभी तो हम डाउन हिल जा रहे हैं बट अगर हम अप हिल आएंगे तो इसमें लग सकते हैं। डाउन डाउन जाने में 10 मिनट लगती है, आने में 50 मिनट लग जाती है। एग्जैक्टली। ये अभी हम कहाँ पे आ गए हैं? ये भाई ये जिमनाजियम है। ओके। ये जिम है, अभी शायद खुला ही है। नहीं ये शायद सिर्फ चेयर लीडर और हम लोग के लिए खुला हुआ है अभी, इसीलिए हाँ ये सब खेलने वाले लोग हैं। ये ओपन लर्निंग की बिल्डिंग है OL, वहाँ एक्टिविटी सेंटर है, बुक स्टोर है, सस्टेनेबिलिटी ऑफिस। काफ़ी बड़ा कैंपस है, यूज है काफ़ी, है ना? हाँ भाई अच्छा है, मतलब यूज कैंपस है, सही है। कैसे लग रहा है फिर कॉलेज रेजिडेंस में रह के यहाँ पे? रेजिडेंस भाई तुमको पैसे लेता है और तुमको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। उसके अलावा रेजिडेंस का बस इसलिए लोग पैसे देते हैं कन्वीनियंस की वजह से। और कैमलूस कैसे लग रहा है? कैमलूस अच्छा है भाई, इधर पर मतलब छोटा टाउन है, तुम ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं करने को अगर गाड़ी वाड़ी नहीं है तुम्हारे। बट यहाँ से कहो ना अगर बस में आएंगे तो कितना टाइम लगता है? बस जाती है? हाँ बस जाती है, ई बस जाती है। कितना लगता है? 2-2.5 घंटे। ओके सो कार से 1 घंटा लगेगा। हाँ कार से 1-1.5 घंटा लगता है। हाँ तो नॉट बैड है वैसे, 2-2.5 घंटे भी। और ये हम आ चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट में, बास्केटबॉल कोर्ट है ना? हाँ टेनिस कोर्ट भी है, लॉन टेनिस कोर्ट सब कुछ है भाई। ये टूर्नामेंट कैपिटल है तो यहाँ इनके चलते ही रहते गेम्स। ओह नाइस, भाई अकेला खेल रहा है। The Brown Family House of Learning. सही इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए? नहीं यहाँ कोई भी मतलब पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, और ऑफिसेज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर्स की। The Brown Family House of Learning. ऑफिसेज की एक वो है, ऑफिसेज है आई गेस, जितना मुझे दोस्तों ने बताया। और ये क्या है सामने? भाई ये है शायद ये बुक, यहाँ नीचे बुक स्टोर है TRU का, और ये है हाँ बुक स्टोर है। ये द डेन है, यहाँ पे बच्चे आते हैं बैठते हैं, जो करना है करो, मतलब बातें वाते करो, खाना वाना खाओ, कैफे टाइप है। द डेन कैंपस एक्टिविटी सेंटर है ये, काफ़ी सही है कैंपस एक्टिविटी। बैठते हो भाई, पढ़ते हो बुक स्टोर? नहीं ये लाइब्रेरी, हाँ, लाइब्रेरी भी नहीं है? नहीं हाँ नहीं भाई लाइब्रेरी उस साइड है, ये बुक स्टोर है यहाँ पे। जैसे ये सब बैंड्स लेने हो या फिर हुडीज लेनी हो, जॉगर्स, वो सब के लिए। कैसा लग रहा है, मन लग गया यहाँ पूरा अच्छे से? हाँ भाई लोग मतलब छोटा टाउन है तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसे कनेक्शंस बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता इधर, जैसे बड़े सिटीज़ में जो प्रॉब्लम होती है, पर यहाँ वो अच्छी बात है। और दूसरी बुरी बात ये है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। सो पहाड़ पसंद है आपको? पहाड़ पसंद है भाई, बस तब सही है फिर। पर यार फॉरेस्ट फायर थोड़ा ज़्यादा है ना आजकल? हाँ अभी क्योंकि ये व्यू तुम्हें सही से दिख नहीं पाएगा, बट अगर हाँ हम आए थे ये नॉर्थ टावर है, ये भी यूनिवर्सिटी रेसिडेंस है। आप फॉरेस्ट फायर से पहले आ गए थे ना? हाँ हाँ तब तो तब बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया था। हाँ अभी तो आजकल गर्मी भी बहुत है यार 40। ये है नॉर्थ टावर, ये भी यूनिवर्सिटी रेसिडेंस है, यहाँ पे भी बच्चे रहते हैं। हाँ वहाँ का 850। तुम्हारी क्लासेस कहाँ होती हैं? क्लासेस भाई वहाँ पे जो ओल्ड मेन बिल्डिंग है, इंटरनेशनल बिल्डिंग है, अभी इधर से जाएंगे। तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी फीस कितनी है? हमको लाइक आई एम इन बैचलर, सो वी हैव टू गिव $183 पर कोर्स एंड वी हैव टू टेक 10 कोर्सेज पर ईयर। ओके तो एक और क्वेश्चन, आईएलटीएस में कितने बैंड चाहिए होते हैं यहाँ पे? आईएलटीएस में 6.5 या नॉर्मल। मतलब 12th ग्रेड में कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? 12th में मिनिमम 73 70 मिनिमम चाहिए होती है। चलो सही है। और यहाँ से पूरा का पूरा वो देखो व्यू दिख रहा है, तो मोहित भाई ने बताया यहाँ पे आके चिल करते हैं लोग, ये मतलब एक अड्डा है बेसिकली, यहाँ पे कपल भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, लौंडे भी आते हैं, कुछ सब चिल कर सकते हो तुम यहाँ पे आके। ये पार्किंग है नीचे पूरा, यहाँ से पूरा कैमलूस दिख रहा है। हाँ वहाँ भाई वहाँ से जाएंगे ना वहाँ से भी पूरा दिखेगा, वहाँ लेक है थॉम्पसन लेक। चलो लेट्स गो भाई, अगर गाड़ी से जाओ ना तो इधर से जाना, ये वाला रास्ता है, ये डायरेक्ट आपको वहाँ डाउनटाउन लेके जाएगा, वहाँ से भाई आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, वो सारे पहाड़ और ये सब कुछ दिखेगा। तुम आज सनराइज देखने यही कहीं तो नहीं आए थे? ये ज़्यादा अच्छा व्यू होगा। सो गाइस यहाँ से मेरे पूरा का पूरा पीछे कैमलूप्स दिख रहा है, वो वहाँ पे लेक है, और यहाँ फॉरेस्ट फायर की वजह से थोड़ा स्मोक है बस, बाकी सब बढ़िया है। वो मेन बिल्डिंग है, उधर ओल्ड मैन है और इधर ये मीट स्टोर है। एंड हम ज़्यादा चल नहीं रहे अब क्योंकि थकान हो रही है, हमें निकलना है केलोना के लिए, तो हम आगे जाएंगे। पर भाई अगर किसी को पहाड़ पसंद है ना तो उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है ये,
पर गर्मी में कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट ठीक है, बेरेबल है। अगर कोई दिल्ली से आ रहा है या कोई नॉर्थ से आ रहा है, इवन साउथ से भी कोई आ रहा है, बेरेबल है। 40,000 कह रहा हूँ, 40-45 तो वहाँ पे भी होता ही है, तो यहाँ पे भी उतना ही होता है। टोरंटो की गर्मी से ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे थोड़ी उमस वाली है। दिखा दिया मैंने जितना दिखा सकते हैं। मोहित भाई को भी सुबह नींद से उठा के दिखा दिया। कल हम पिज़्ज़ा स्टोर चले गए थे इनके घर, वहीं पे यहाँ पे है। सही है भाई, फुल पहाड़ वाला सीन है। सो यार गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। और हमारे मोहित भाई ने हमारी हेल्प करी और तुम लोगों को ये TRU के बारे में बताया। सो मेरा एक फाइनल सवाल आपसे ये है कि कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है जो TRU आना चाहता है, उसको क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो, जो आपने लोगों के वीडियो के थ्रू नहीं देखी और इस वीडियो के थ्रू आप बताना चाहते हो? भाई अगर आ जाओ भाई बढ़िया सिटी, अगर मतलब भाई थोड़ी शांत चाहिए जगह, बहुत ज़्यादा घूमना बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, अच्छी जगह है, वैसे शांत है। वैसे देखो यहाँ पे पहाड़ है, जिसको पहाड़ पसंद है उसके लिए तो बढ़िया, पहाड़ पसंद है उसके लिए बढ़िया जगह है। पूरा बीसी भाई बढ़िया है। देखो एक चीज़ और पता चली, यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पर ठंड में थोड़ा ठंड ठीक होती है, बियरेबल होती है यहाँ की। सो वही है भाई, अगर तुम्हें इंडिया के जैकेट्स चल जाते हैं बस। सो यार गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। और भाई को फॉलो कर देना, अपना इंस्टाग्राम बता दो। माय इंस्टाग्राम इज mohitnt7times.7। So yeah guys, that's pretty much it. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe to Logical Bakwas. And I'll see you guys in the next video. Aur bhai sapne dekho, sapne zarur poore hote hain. And I'll see you in the next one. Bye bye, peace out.